ऑल राइट दोस्तों, और एक फोल्ड आ गया है हमारे पास, ये है मी मिक्स फोल्ड 4। जी हाँ, ये चाइना से हमने मंगाया हुआ है। एंड आई विल टेल यू व्हाट, ये जो है ना, कुछ कुछ चीजें इसके बारे में लिटरली अनरियल है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो मुझे लगता है कि यार ये बेसिक चीज है फॉर अ फोल्डेबल फोन, जो यू नो इट लैक्स समवेयर देयर। सो देखेंगे आज सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। पहले ही बता दूं, ये इंडिया में शायद इस साल नहीं होगा। फोल्डेबल जो फिफ्थ जनरेशन का होगा शायद अगले साल आएगा। इस साल Xiaomi Mi Mix Flip लॉन्च करेगा, ऐसे आसार तो लग रहे हैं, ऐसे रूमर्स आए हुए हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, बट दिस इज Mi Mix Fold 4 और इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करने वाले हैं। दिस इज द चाइनीज वेरियंट, लेकिन एक चीज आपको चाइनीज हो या इंडियन हो आपको करनी है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ये सब इंपोर्ट करना, लेके आना, आपको इमीडिएटली बताना। एनीवेज, ये क्या है Mi Mix Fold 4। वैसे मेरे पास ऑलरेडी दो फोल्डेबल फोन है और मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। माई प्राइमरी ड्राइवर इज अ फोल्डेबल फोन, सो देखते हैं इसका फील कैसे है। यू नो आई रियली वॉन्टेड टू, अभी तक मैंने इसे हाथ नहीं लगाया है, डायरेक्टली आया हुआ है। ओह माई गुडनेस, साजिद इज सीरियस। दोस्तों सीरियसली मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक फोन हाथ में पकड़ रहा हूँ। दिस इज क्रेजी, ओ माय गॉड। आप कहोगे नीचे कमेंट्स में एक्टिंग कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों, इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव फेल्ट। एग्जैक्टली 67 वॉट का चार्जर आता है एंड टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है। केस है क्या इसमें? अच्छा, सिम कार्ड टूल है। केस इज देयर, नाइस, वेरी नाइस, ओके। बहुत ही पतली प्यारी सी, बंपर केस भी नहीं कहूंगा, बंपर फ्रेम कहूंगा मैं इसे, यही है। और क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ, एंड ये बैक केस है, ओके। कैमरा मॉड्यूल देखिए, ओ माय गॉड, ये बम्प मुझे फोन से भी ज्यादा मोटा लग रहा है, लिटरली, आई मीन एटलीस्ट फ्रॉम केस मुझे ऐसे ही लग रहा है। ओ दिस इज लवली, कुछ कुछ चीजें मैंने जैसे कहा था दोस्तों अनरियल लग रही है, वैसे ही कुछ है इस फोन के बारे में। चलिए बॉक्स साइड में रखते हैं, अब फोन के पास देखते हैं। ओह, आई एम एक्साइटेड, आई एम सीरियसली एक्साइटेड। चलिए लेट्स ओपन, बड़े प्यार से खोलते हैं इसे। ओह, फोन मैं क्यों बता रहा था दोस्तों, क्योंकि ये जो फोन है ये इतना पतला फोन है, जैसे ही मैंने हाथ में लिया था ये फोन हो ही नहीं सकता। हाउ थिन इज दिस, ओह माय, मतलब लिटरली ये जो है ना, कुछ कुछ नॉर्मल कैंडी बार फोन्स होते हैं वो भी इससे मोटे होते हैं, ये इतना पतला कैसे है? दिस इज लिटरली फोल्ड करने के बाद 9.4 mm है, और जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ 4.5 4.6 mm हो गए। नॉर्मल सबसे पतला जो कैंडी बार फोन होता है दैट इज 7.5 7.4 mm, दिस इज 4.5 4.6 mm। ऐसे लग रहा है वो ई रीडर्स वगैरह होते हैं ना, किंडल वगैरह होता है, देखिए कैसे एकदम पतला होता है, वैसे ही कुछ लग रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ओ, और ये कैमरा मॉड्यूल भी दोस्तों, एंड ये जो हिंज भी है ना, इतना ज्यादा रेजिस्ट, मतलब आई यूज Vivo X Fold 3 Pro एंड देन अगर मैं कंपेयर करूँ Samsung Fold के साथ भी, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारा रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है इसमें तो बहुत अच्छा है। दिस फील्स गुड, वेलकमिंग लगता है। ये जो है ना, जैसे आई डोंट नो, बहुत ही लाइट लगता है। सो हिंज अभी भी मैं कहूंगा थोड़ा और रेजिस्टेंस होना चाहिए था, आई डोंट नो, ठीक है। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रीज देख रहे हो आप, ये फोल्डेबल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नया फोन है, आप अगर एक महीना भर इसे इस्तेमाल करोगे तो लिटरली एक गटर होती है ना, वैसे इधर से पानी डाल दिया तो इधर से निकल जाएगा, दैट इज हाउ इट इज। सो क्लियरली क्रीज विजिबल है, बट व्हाट अ जॉब, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। मतलब Mi Mix Fold 4 देखने के बाद यू नो दूसरे जो ब्रांड्स है उन्होंने भी यही करना चाहिए, यू नो मेक इट दिस स्लिम, लगेगा ही नहीं कि ये एक फोल्डेबल फोन है। और मैं टाइम क्यों ले रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि ये सीरियसली दैट इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस फोन। पहले पोर्ट्स एंड बटन की तरफ देख लेते हैं, बहुत ही पतला है, आई मीन उन्होंने कैसे ये यूएसबी टाइप सी इधर फिट किया है आई रियली डोंट नो, बट एज टू एज लिटरली है। एंड देन यू हैव माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर ग्रिल राइट हैंड साइड में, देन यू ऑन द राइट यू हैव वॉल्यूम रॉकर, ऊपर अगेन यू हैव आयर ब्लास्टर, ऊपर नहीं है क्योंकि इतने सारे 1 2 3 है, बट आयर ब्लास्टर जो है दोस्तों दैट इज इनसाइड द कैमरा मॉड्यूल, ओके, वेरी नाइस, आई कांट गेट ओवर दिस, आई रियली कांट। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जो कवर डिस्प्ले है दैट इज 6.56 इंच का, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, फुल HD 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। सो यू नो जैसे एक नॉर्मल फोन होता है वैसे ही है, डिस्प्ले साइज पतला नहीं है, नैरो नहीं है, जैसे कुछ कुछ अलग अलग फोल्ड्स में दिखते हैं, दिस इज लाइक नॉर्मल कैंडी बार डिस्प्ले। और अगर मैं अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इट्स अ ह्यूज 7.98 इंच का डिस्प्ले, मतलब नियरली 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एंड
अगेन 2K डिस्प्ले दोस्तों, 120 हर्ट्ज है, एमोलेड है, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा क्योंकि इवन आप इसका बेजल्स वगैरह देखोगे बहुत ही पतले बेजल्स हैं, ब्यूटीफुल डिस्प्ले, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस है, 8th Gen 3 है दोस्तों, इसमें 12/256 बेस वेरियंट आता है एंड देन ऑल द वे अप टू 16 GB रैम एंड देन 1 TB तक भी वेरियंट जाता है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, मतलब परफॉर्मेंस में फ्लैगशिप लेवल का है। वैसे फ्लैगशिप लेवल की प्राइस भी आती है, अगर मैं चाइनीज, क्योंकि उधर से हमने इंपोर्ट किया है, ये 1,10,000 से 1,30,000, 1,40,000 इस प्राइस रेंज में होता है, जो भी वेरिएंट लोगे उस हिसाब से आपको प्राइस लगेगी, बट हाँ इंडिया में आते आते ये 1.5 लाख तक हो जाएगा फॉर बेस वेरिएंट, सो दैट इज व्हाट इट इज, बट इस साल नहीं आने वाला है, शायद अगले साल आ जाएगा एंड आई वॉन्ट इट टू कम। वैसे चाइनीज वेरियंट होने की वजह से OS के बारे में, हाइपर OS आता है एंड अपडेट्स वगैरह में ज्यादा बात नहीं करूंगा, जब इंडिया में आ जाएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, बट क्लीन UI एक्सपीरियंस आता है, MIUI की जगह पे हाइपर OS है विच इज मोर फ्लुएंट, लाइट वेट है थोड़ा, तो वो सब चीजें। एंड अगर मैं इवन चाइनीज वेरिएंट के बारे में बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन है, दे आर क्वाइट गुड, आपको नीचे टास्क बार वगैरह मिलता है, मल्टीटास्किंग वगैरह इजीली कर पाओगे, बहुत ही फ्लूइड है मल्टीटास्किंग के लिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वेट करना भूल गया, आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट थिननेस, इतना पतला है, इसका वेट भी मेरे हिसाब से एक नॉर्मल कैंडी बार फोन जो होता है, और मैं कहता हूं कि हाँ अगर 200, 205, 210 ग्राम होगा आई विल बी सुपर डुपर एक्साइटेड। और एक चीज दोस्तों, इतना पतला फोन है लेकिन 5100 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 5100 मिली एम्पीयर की बैटरी होने के बावजूद, यू नो इन सच अ स्लिम फॉर्म फैक्टर, बट दिस डज नॉट फील मोर देन 210 grams, लेट्स सी 232 grams, ओके आई वाज रॉन्ग देयर, क्योंकि इतना पतला है ना हाथ में तो वो यू नो थोड़ा लाइट भी लगता है। आई थिंक ये जो कैमरा मॉड्यूल है उसका थिकनेस ज्यादा है फोन से भी, लुक एट दिस, ये देखिए। वैसे दोस्तों एक नॉर्मल कैंडी बार फोन जो फ्लैगशिप लेवल का होता है उसका वेट करते हैं और देखते हैं, दिस इज 232 grams, 234 grams, इवन आईफोन वगैरह आप टेस्ट करोगे तो यू नो अराउंड 230 के ऊपर ही आता है, सो इट जस्ट डज नॉट, मतलब अगर आप हाथ में लोगे ऐसे लगता ही नहीं है कि ये फोल्डेबल फोन है। और जैसे मैंने बताया बड़ी बैटरी है 5100 मिली एम्पीयर की, 67 वॉट चार्जिंग आती है वायर, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। कनेक्टिविटी के मामले में टॉप ऑफ द लाइन, मैं बताऊंगा भी नहीं, एवरीथिंग इज देयर, इवन सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी आती है, चाइना में तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी आती है, सेंसर्स भी सभी आते हैं, NFC है, आयर ब्लास्टर है, ऑल ऑफ इट इज देयर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास अगेन, यू नो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब फोल्डेबल फोन्स में भी कैमरा अच्छे आने लगे, वीवो X Fold 3 Pro में अच्छे कैमरास हैं एंड दिस गोज इवन फर्दर, इसमें टोटल 4+2 6 कैमरा आते हैं, पीछे क्वाड कैमरा सेटअप आता है, 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, 50 MP का 2x टेलीफोटो सेंसर है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, 10 MP का आपको पेरिस्कोप सेंसर मिलता है जो आपको 5x ऑप्टिकल जूम देता है, सो दैट इज द कैमरा सेटअप एंड बहुत सारे फोटोज निकाले हुए। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेटर या वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आउट देयर, यहां जाके जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं उधर जाके देखिएगा, बट सेटअप इज एक्सीलेंट। और दो कैमरा आते हैं दोस्तों अंदर, मेन डिस्प्ले पे, बड़े डिस्प्ले पे भी आपको 16 MP का सेंसर मिलता है एंड देन कवर डिस्प्ले पे भी आगे सेंटर पंच होल में आपको 16 MP का सेंसर मिलता है। और कैमरा क्यों अच्छा है, आप देख रहे हो लाइका की ब्रांडिंग है, तो ये जो कैमरा सेटअप किया है ये भी लाइका के पार्टनरशिप में ही बनाया हुआ है एंड लाइका के कैमरास ऑब्वियसली यू नो जैसे आपने Xiaomi 14 अल्ट्रा वगैरह में देखा होगा, ब्यूटीफुल कैमरा सेटअप, वीडियोग्राफी में भी 4K वगैरह शूट कर पाओगे, इवन 8K शूट कर पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, आई मीन कैमरा टॉप नॉच। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IPX8 सर्टिफिकेशन आता है, वाटर रेजिस्टेंट है एंड देन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आगे की तरफ आता है, पीछे ग्लास है या प्लास्टिक आई एम नॉट टू श्योर, लगता तो प्लास्टिक के जैसा है, नॉट श्योर दो। वैसे दोस्तों मैं सीरियसली फोल्डेबल फोन्स को लेके बहुत एक्साइटेड हूं, मतलब एक नॉर्मल कैंडी बार फॉर्म फैक्टर में आपको एक तो नॉर्मल स्क्रीन तो मिलती है बट बड़ी स्क्रीन भी मिलती है, दिस इज एक्साइटिंग। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि 3-4-5 सालों के बाद फोल्डेबल फोन्स बढ़ने वाले हैं और भी ज्यादा, अभी इतना पॉपुलैरिटी नहीं है बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव बट वंस प्राइस कम्स डाउन these are going to be attractive। जी हाँ, बहुत सारी चीजें अच्छी है जिनके बारे में बात की, दो चीजें ऐसी भी है, फॉर एग्जाम्पल क्रीज जो है दोस्तों दैट इज यू नो क्वाइट हैवी एंड ये जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है ना, आई थिंक दीज पीपल नीड टू वर्क ऑन हिंज, थोड़ा और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा और रेजिस्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट दैट इज सब्जेक्टिव। ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद द फॉर्म फैक्टर, जबरदस्त है, पतला है, यही है Mi Mix Fold 4। अगर आपको कोई सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स डू लेट अस नो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।